आइए आज समझते हैं मूलांक सात और भाग्यांक सात को। नमस्कार, अंकों के दुनिया में आस्ट्रो रेकी में आपका स्वागत करता है। मैं हूं भोगेंद्र यादव, रेकी हीलिंग मास्टर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजी एवं वास्तु को। सात केतु, केतु के साथ केतु, मतलब सात के साथ साथ जो है सात आया है। हेडलेस प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, सर नहीं है, सिर्फ धर है। तो ऐसी स्थिति में जिसका सर न हो सिर्फ धर हो, डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। और डिसअपॉइंटमेंट ऐसा, उदासीनता ऐसा, हर सेक्टर में, कैरियर में भी, मैरिज लाइफ में भी, जॉब में भी, जहां जाओ वहीं डिसअपॉइंटमेंट का चांस बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए मेरा बेस्ट सलाह है कि अपने जन्म तिथि को प्रोफेशनली एनालाइज करा के जीवन में आगे बढ़े और जीवन को सफल करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी जन्म तिथि खराब नहीं होता, बस उसको संभाल के चलने की जरूरत होती है। राधे।